इस एक साल में हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में हम सभी ने सर्वसम्मति से G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। G20 ने पूरे विश्व को इंक्लूसिविटी का जो ये संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी प्रेसिडेंसी में अफ्रीका को आवाज मिली है। इस एक साल में पूरी दुनिया ने G20 में ग्लोबल साउथ की गूंज भी सुनी है। पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में करीब करीब 130 देशों ने नई दिल्ली G20 समिट में लिए गए फैसलों की मन से सराहना की है। G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हुए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर बल दिया है। G20 ने मल्टीलेटरलिज्म में फिर से विश्वास बढ़ाया है। और इज़राइल हमास युद्ध पर पीएम का यह बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम एशिया में अस्थिरता चिंता की बात है, ये उन्होंने कहा। शुरू यहां पर नजर आया था रूस यूक्रेन के मद्देनजर, उस पर भी पीएम मोदी ने बेहद बेबाकी के साथ अपनी बात रखी थी, शांति की बात वो कहते आए थे। लेकिन अब इजरायल और हमास युद्ध पर पूरे विश्व की निगाह है। ऐसे में इजरायल हमास युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता है वो यकीनन चिंता का विषय है। ये G20 की वर्चुअल समिट है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में यह अध्यक्षता भारत को मिली भी थी और उस वक्त कई सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हुए थे, लेकिन नवंबर तक ये अध्यक्षता रही है। और ऐसे में ये वर्चुअल समिट यहां पर हो रही है जिसमें इजरायल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सामने आए, और कई सारे राष्ट्राध्यक्ष इस वर्चुअल समिट में उस दौरान जुड़े भी थे।